दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ऑडियो स्पेक्ट्रम एडिटिंग कर सकते हो काइन मास्टर के अंदर। इसके लिए दोस्तों आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा। पहला एप्लीकेशन दोस्तों पिक्सट और दूसरा जो एप्लीकेशन है दोस्तों हमारा काइन मास्टर एप्लीकेशन। दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सबसे पहले पिक्सट एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। पिक्सट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है प्लस वाले आइकन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ले लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, तो सिंपली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके दोस्तों ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेने के बाद दोस्तों आप सीधा आ जाओगे पिक्सट एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ से दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना है टूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है क्रॉप वाले आइकन के ऊपर। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको रेशियो को चूज कर लेना, एस्पेक्ट रेशियो 16:9। उसके बाद सिंपली क्लिक कीजिएगा इस कॉर्नर पे ओके के ऑप्शन पर। उसके बाद दोस्तों आपको इस साइड में टूल दिखाई दे रहा है काफ़ी सारी, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ऐड फोटो नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी फोटो को सबसे पहले इंपोर्ट करना है पिक्सट के अंदर, जो भी फोटो से दोस्तों आप ऑडियो स्पेक्ट्रम बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं एक पिक्चर को इंपोर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो पिक्चर है दोस्तों सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको सिंपली क्लिक करना है इस कॉर्नर पे ऐड के ऊपर, तो आपका जो पिक्चर है जैसे कि देख सकते हो आ चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस साइड में काफ़ी सारे टूल्स दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जैसे कि देख सकते हो शेप नाम का, आप लोग देख सकते हो। तो सिंपली शेप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिंपली क्लिक करना है ये सर्कल वाले आइकन के ऊपर जैसे कि देख सकते हो। तो सर्कल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो मॉडल का जो फेस है दोस्तों सिंपली फेस के ऊपर सर्कल को इस तरीके से रख लेना है जैसे कि देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से रखने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है इस कॉर्नर पैरों के आइकन के ऊपर और यहाँ पर ये जो साइड में आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है बॉर्डर का कलर आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर रेड कलर रख रही हूँ। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है ये शेप की आइकन के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आपको इसे सिंपली इस तरीके से बड़ा कर लेना है एंड आपको सिंपली क्लिक करना है इस कॉर्नर पर डन के ऑप्शन पर। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ड्रॉ टूल देखने के लिए मिल रहा है, तो सिंपली आपको ड्रॉ टूल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना है इस कॉर्नर पर थ्री डॉट पर जैसे कि देख सकते हो और यहाँ से आपको सिंपली क्लिक करना है सेव इमेज के ऊपर। उसके बाद दोस्तों हमारा पिक्सट का काम खत्म हो चुका है। अब आपको दोस्तों सिंपली ओपन करना है काइन मास्टर एप्लीकेशन को। ऑलराइट जैसे कि देख सकते हो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सीधा काइन मास्टर के अंदर। सबसे पहले आपको क्लिक करना है प्लस वाले आइकन के ऊपर एंड दोस्तों यहाँ से आपको एस्पेक्ट रेशियो चूज करना है 16:9। तो यहाँ से दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना है ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे कि देख सकते हो। तो बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली सिलेक्ट करना है ब्लैक बैकग्राउंड को। ब्लैक बैकग्राउंड जैसे कि देख सकते हो टाइमलाइन पर आ चुका है। अब आपको इस कॉर्नर पर सिंपली क्लिक करना है ओके के ऑप्शन पर। उसके बाद दोस्तों ब्लैक बैकग्राउंड का ड्यूरेशन आप जितना रखना चाहते हो आप अपने हिसाब से इसका ड्यूरेशन को रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली इस कॉर्नर पर क्लिक करना है डन के ऑप्शन पर। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना है लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ से आपको चूज करना है मीडिया ब्राउजर को और यहाँ से आपको सिंपली सिलेक्ट करना है डाउनलोडिंग फोल्डर पर, डाउनलोडिंग फोल्डर को और यहाँ से दोस्तों आपको सिंपली इंपोर्ट करना है ऑडियो स्पेक्ट्रम को। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मुझे ऑडियो स्पेक्ट्रम कहाँ मिलेगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो वहाँ से दोस्तों आप इजीली ऑडियो स्पेक्ट्रम को डाउनलोड कर सकते हो। ऑडियो स्पेक्ट्रम को दोस्तों आपको सिंपली क्लिक इनपुट करने के बाद आपको इस साइड पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आपको क्रोमा की नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको क्रोमा की को इनेबल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये नीचे जैसे कि देख सकते हो 50 वाला जो आइकन है आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद सिंपली क्लिक कीजिएगा इस कॉर्नर पे ओके के ऑप्शन पर। उसके बाद दोस्तों ऑडियो स्पेक्ट्रम का जो साइज़ है आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा इस तरीके से जैसे कि देख सकते हो और इसे आप पूरा मिडिल में दोस्तों सेट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली जो एक्स्ट्रा पार्ट इसे मैं ट्रिम कर लूँगा, सिंपली कैची के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड के ऊपर क्लिक करना है और आपको क्लिक करना है इस कॉर्नर पे ओके के ऑप्शन पर। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना है ये लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ से आपको सिंपली सिलेक्ट करना है मीडिया ब्राउजर को। आप दोस्तों आपको वही पिक्चर को इंपोर्ट करना है जिस पिक्चर का दोस्तों अभी पिक्चर के अंदर आपने सर्कल शेप बनाया हो, सिंपली उसको इंपोर्ट करना है जैसे कि देख सकते हो। तो इस पिक्चर को आपको सिंपली इस तरीके से बड़ा कर लेना है इस तरीके से बड़ा करने के बाद दोस्तों ये जो पिक्चर है इसका ड्यूरेशन दोस्तों आपको वहाँ तक कर लेना है जैसे कि देख सकते हो इतना तक। उसके बाद दोस्तों जो पिक्चर आपने ऐड किया हो सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है
और आपको क्लिक करना है इस 3 डॉट के ऊपर। उसके बाद दोस्तों इसे सिंपली कर देना है सेंड टू बैक, जैसे कि देख सकते हो। तो सेंड टू बैक करने के बाद दोस्तों आप इसे बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसे बड़ा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेंड टू बैक करने के बाद दोस्तों ये जो पिक्चर है ये पिक्चर चला जाएगा ऑडियो स्पेक्ट्रम की बैक साइड पर। उसके बाद इसे आप अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है ऑडियो के ऊपर, जैसे कि देख सकते हो। और यहाँ से दोस्तों आपको अपने सिंपली म्यूजिक को इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ से मैं अपना म्यूजिक को इम्पोर्ट कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो सिंपली प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर हमारा जो म्यूजिक है, जैसे कि देख सकते हो, टाइमलाइन पर आ चुका है। म्यूजिक का जो एक्स्ट्रा पार्ट है दोस्तों, इसे आपको सिंपली ट्रिम कर लेना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड। उसके बाद दोस्तों मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हमारा ऑडियो स्पेक्ट्रम बन के रेडी हो चुका है। जो कि दोस्तों ऑडियो स्पेक्ट्रम बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, मैं इस वीडियो पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है इस आइकन के ऊपर, इस कॉर्नर पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रेजोल्यूशन सिलेक्ट करना है 1080 और फ्रेम रेट आपको सिलेक्ट करना है 30 FPS। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना है एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। आपका जो दोस्तों ऑडियो स्पेक्ट्रम है, जैसे कि देख सकते हो, सेव होना स्टार्ट हो चुका है, एज यू कैन सी। थैंक यू सो मच दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए।